हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस। आप सभी लोग से एक बार फिर हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, करीब 9 या 10 दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू अगेन, टू सी यू अगेन गाइज। सो लेट्स टाइम टू स्टार्ट अगेन द प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 एंड अलॉन्ग विद युवराज। आई होप ऑल यू गाइज आर रेडी, ऑल यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिविंग दिस टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट गाइज। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 इस लेक्चर का, जिसमें हम टेस्ट करेंगे, वन बाई वन हम क्वेश्चन लेंगे एंड उनके आंसर्स को देखेंगे। तो आइए, हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट के क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे, बताते जाएंगे इंग्लिश में इनका कन्वर्जन, और हम चेक करते जाएंगे और अपने मार्क्स आप टोटल करते जाइएगा कि आपको टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं। चलिए गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। बताइए इंग्लिश में क्या होगा इसका कन्वर्जन। हाँ, देखिए रक्त लिखा हुआ है तो आपने ब्लड नहीं यूज किया यहाँ पर, तो ये गलत है ना। सो यहाँ पर आपने बताया है दे डोनेट, सो सबसे पहले आएगा दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स। ओके, चलिए चेक करते हैं, लेट्स सी इट्स। ओके, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स, बिल्कुल सही है। पेशेंट की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ओके, पी ए टी आई ई एन टी एस। जब भी कोई नई स्पेलिंग आती है बच्चों, उसको लिख लिया करिए, क्योंकि स्पेलिंग देखने से नहीं बनती है। ओके, देखिए पी ए टी आई ई एन टी एस, इंग्लिश में कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो जब भी नया लेटर आता है तो उसको इंग्लिश को जरूर आप लिखा करो, क्योंकि बोलने से समझ में नहीं आता कि उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी बच्चों। तो पेशेंट्स हो गया है, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, बताइए। ओके, आपने बताया है पुलिस कैचेस द थीप, देखते हैं आपने पुलिस सही बोला है क्या। देखिए सिपाही को पुलिस मैन बोल दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर द पुलिस मैन कैचेस द थीफ, या आप दा ना भी लगाएंगे तो चल जाएगा, पुलिस मैन कैचेस द थीफ, बिल्कुल सही है, सही जवाब आपका माना जाएगा पुलिस। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पुलिस जो होती है वो पुलिस एक प्लूरल सेंस लेती है, पुलिस एक बड़ी मतलब एक ग्रुप को कहा जाता है, तो पुलिसमैन लगाइए तो अकेला काउंट होगा। तो आप एक नई चीज़ याद रखिएगा कि पुलिसमैन का मतलब होता है अकेला सिपाही, अकेला सिपाही। और पुलिस बच्चों किसका सेंस देता है, प्लूरल का, वेरी गुड। पुलिस जो होता है बच्चों प्लूरल का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, प्लूरल का। तो पुलिसमैन कैचेस द थीव। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है, मायावती एक लीडर है, हर साल इलेक्शन लड़ती है, बताइए। लड़ती है, लड़ती को क्या बोलेंगे, फाइट, लड़ना मतलब कि फाइट। ओके, तो मायावती तो सिंगुलर है भाई साहब, बताइए जल्दी क्या होगा इसका। मायावती फाइट ऑल द इलेक्शन, देखिए आप कह रहे हैं हर साल को, ऑल द ईयर आपने बोल दिया है, बिल्कुल गलत बोला है। हर साल का मतलब होगा एवरी ईयर, क्या होगा, एवरी ईयर। तो हर साल का मतलब होगा यहाँ पे एवरी ईयर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए मायावती इलेक्शन लड़ना में फाइट नहीं आएगा, कंटेस्ट आएगा, क्या आएगा, कंटेस्ट। जैसे आपने कभी अंताक्षरी वगैरह खेली हो तो हमारे कंटेस्ट हैं, है ना, तो उसमें कंटेस्ट, इलेक्शन एवरी ईयर, इलेक्शन एवरी ईयर। तो लिख लीजिए, लड़ने को फाइट लड़ना मतलब हाथापाई करने वाला होता है, मगर आप किसी प्रतियोगिता में बैठे हैं तो हमारे कंटेस्ट बोलते हैं, और प्रतियोगी को बोलते हैं कंटेस्टेंट्स। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, लिख लीजिए आप लोग क्या बोलते हैं, कंटेस्ट, ठीक है ना। कंटेस्ट मतलब कि लड़ना, कैसे लड़ना, किसी प्रतियोगिता में लड़ना बिना किसी हाथा फाइट के। फाइट इलेक्शन नहीं लगता है, ओनली क्या आता है, कंटेस्ट इलेक्शन आएगा एवरी ईयर, ठीक है ना। जैसे किसी आप प्रतियोगिता में लड़ाई करते हैं तो वहां पर होता है, खेल के लिए आप लड़ाई करते हैं कि प्रतियोगिता है खेल की, तो वहां पर कंटेस्ट आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं, स्टार्स शाइन इन द स्काई, आपने कहा स्टार शाइन इन द स्काई, तो बिल्कुल सही है, द स्टार्स शाइन इन द
स्काई, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, द स्टार्स शाइन इन द स्काई, बिल्कुल सही बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, बताइए क्या होगा बच्चों। सम बॉयज बाथ इन द रिवर, चलिए देखते हैं, सम बॉयज बाथ नहीं होता बच्चों, नहाने को बोलते हैं टेक बाथ, क्या होता है टेक बाथ, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नो, बाथ लेना टेक बाथ, यानी नहाने की क्रिया को करना मतलब टेक बाथ, समझ गए ना, तो टेक बाथ, जब आप नहाते हैं तो उसको टेक बाथ बोलिए, बाथ अकेले मत बोलिए, है ना। सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर, चलिए तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, टेक बाथ यानी नहाने की क्रिया को संपन्न करना, नहाना। ओके, देखिए बात भी होता है मगर जब आप कुछ चीज़ जैसे कि आप चाय पी रहे हैं तो टेक टी, ओके टेक बाथ, नहा रहे हैं तो टेक बाथ, हालांकि आप खाते तो नहीं है नहाने को, करते ही नहाना एक प्रोसेस है तो वहाँ पे टेक बाथ लगता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, बताइए क्या होगा, एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, वन गर्ल सेल्स बास्केट, देखते हैं बिल्कुल सही बताया कि नहीं, वन गर्ल की जगह आएगा अगर्ल, क्या आएगा अगर्ल, क्या आएगा वन नहीं हो सकता है, आ लगता है भाई एक के लिए इंग्लिश में अगर्ल लगता है भाई, ठीक है ना, आई वॉन्ट वन क्रिकेट बैट, आई वॉन्ट वन क्रिकेट बैट नहीं होता है, आई वॉन्ट ए का मतलब इंग्लिश में एक इस्तेमाल होता है ना, काउंटेबल पर्पज के लिए आप एक का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, आई नीड अ पेन, आई नीड वन पेन, है तो दोनों सही बट ग्रामेटिकली देखा जाए या मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्म में देखा जाए तो कौन सा सही है, अ गर्ल, है ना, अ पेन, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स, है ना, बास्केट्स लगेगा, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला टोकरियाँ, काफ़ी सारी टोकरी हैं, तो अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स। चलिए अगला बताइए, मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ, मैं रोजाना यानी डेली, है ना, जा आएगा यहाँ पे, देखिए जा के नीचे नुक्ता लगा है, तो रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ, बताइए क्या होगा बच्चों, पतंग उड़ाता हूँ, अब ये क्या बताऊँ मैं भाई, पतंग उड़ाता हूँ को मतलब क्या बोलेंगे, बताइए, मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ, इसका इंग्लिश में बोलिए क्या होगा, देखिए पहली गलती आपने डेली पहले लगा दिया है, तो डेली तो भाई एकदम लास्ट में आएगा, है ना, डेली क्या आएगा, लास्ट में आएगा, कोई काम आप डेली कर रहे हो, जैसे आई गो टू द स्कूल डेली, आई डेली गो टू स्कूल तो नहीं होता ना, या आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो डेली तो लास्ट में आएगा, तो पहली गलती तो आपने यहाँ कर दी। चलो फिर भी बोलो बच्चों इसका क्या होगा, हाँ भाई साहब पतंग को इंग्लिश में काइट बोलते हैं यार, ऐसा क्वेश्चन करेंगे आप, हाँ चलिए देखते हैं आपका सही है या गलत है, देखिए जी, I fly the kite daily on my roof. Okay, ठीक है चल जाएगा, I fly the kite on my roof daily भी चलेगा, बिल्कुल सही है, okay, more better, I fly the kite daily on my roof, दोनों ही सही हैं, है ना, आप daily को बाद में भी ले जा सकते हो, या on my roof daily या daily on my roof, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे खेत जोतते हैं बताइए, वे खेत जोतने का क्या होगा, क्या खेत को जोतने क्या बोलते हैं भाई, प्लू, हाँ है ना, दे प्लो द फॉर्म, ठीक ना, देखते हैं तो इसका क्या होगा, दे प्लो द फील्ड या फार्म, बिल्कुल सही, दोनों सही है, दे प्लो द फील्ड, हाँ ठीक है, नहीं फील्ड का मतलब भी खेत होता है, फार्म भी खेत होता है, प्लो की स्पेलिंग लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, प्लो यानी खेत, सॉरी जोतना, प्लो यानी जोतना, है ना, और फार्म का मतलब होता है खेत, फार्म का मतलब होता है खेत, प्लो यानी जोतना। चलिए अगला बताइए बच्चों, लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती हैं, लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती, बताइए, हाँ अच्छी प्रकार को बताइए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप बहुत यूज करते हैं, ओके इन्होंने कहा है गर्ल्स डू देयर होमवर्क इन गुड वे, देखते हैं क्या होगा, देखिए द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली या नाइसली या इन अ गुड वे भी बिल्कुल सही है,
ओके यदि बट यहाँ का यदि गुडवे लिखना है तो लिखना पड़ेगा इन आ गुडवे, इन आ गुडवे। ओके तो द गर्ल्स डू देयर होमवर्क इन आ गुडवे, बिल्कुल सही है, या प्रॉपरली भी चलेगा या नाइसली भी चलेगा, एन आई सी ई एल वाई, नाइसली भी चलेगा। सो बच्चों एक बार फिर से बताऊंगा, द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली कह लो या नाइसली कह लो या इन अ गुड वे कह लो, दोनों ही चलेगा, सब तीनों ही चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं, हम यानी कि वी, चलिए बताइए क्या होगा। डेली इन द नाइट, यस यस, रोज रात को, वी वॉच मूवी डेली इन द नाइट कहा इन्होंने, वी वॉच मूवी या फिल्म्स एट द नाइट डेली या डेली इन द नाइट। देखिए आपने इन लगाया है, इन नहीं आएगा, एट आएगा क्योंकि टाइम की बात हो रही है और टाइम की बात में नाइट में एट आता है, समय के लिए एट यूज होता है, समय के लिए कभी इन यूज नहीं होता प्रपोजिशन, तो यहां पर आपको एट लगाना पड़ेगा। तो जो आपने इन बताया वहां की जगह क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो वी वॉच मूवीज, मूवी नहीं आएगा, क्या आएगा, मूवीज, क्या आएगा, मूवीज। ओके वी वॉच मूवीज, ओके एट द नाइट, एट नाइट, एट नाइट डेली, एट नाइट डेली, ओके या डेली एट द नाइट, क्लियर हो गया, या डेली एट नाइट, नाइट के आगे द लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ओके तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप नाइट के आगे ना लगाएं तो, ठीक है ना। सो वी वॉच मूवीज डेली एट नाइट, क्लियर है। ओके बच्चों तो जब आप प्रेपोजिशन के लिए आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर आपको प्रेपोजिशन सीखना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कहाँ पर इन लगना है, कहाँ पर ऑन लगना है, कहाँ पर क्या लगना है, अबव लगना है, ये धीरे धीरे पढ़ते से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर टाइम का सेंस दे रहा है तो टाइम के लिए एट आएगा, ओके एट 11 o'clock, 11 बजे वहाँ पर आ जाना, ओके रीच देयर एट 11 o'clock, सही है ना, ऐसे चलता है। चलिए खैर तो दोस्तों ये तो हो चुका है, अब हम अगला चलते हैं, अगला आते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला आपके सामने है, प्रधानमंत्री जी भाषण, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं, बताइए क्या होगा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर एक संवैधानिक और एक बड़ी पोस्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर के आगे हमेशा द लगाइए, क्या लगाइए, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, इनके आगे हमेशा द लगता है, बोलिए आगे, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, हाँ, प्राइम मिनिस्टर एक ही है तो फिर डज ही लगेगा, डज नॉट भाषण वाला भी स्पीच, यस, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, पूरा सेंटेंस एक बार बोलिए इसका, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट गिव स्पीच, गिव स्पीच, अच्छा तो गलत बोला आपने क्योंकि स्टेज की बात आपने यहाँ पर की ही नहीं है। चलिए देखते हैं, ओके चलिए देखते हैं क्या है, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट गिव स्पीच या डिलीवर ए स्पीच, ओके डिलीवर, डिलीवर की स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, डी ई एल आई वी ई आर, डिलीवर, डिलीवर मतलब किसी चीज को अपने अंदर से निकालना, है ना, डिलीवर करना, गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज, ओके सो इज इट अंडरस्टूड, ओके गिव भी सही है बट मोर करेक्टली डिलीवर अ स्पीच, मोर करेक्टली डिलीवर अ स्पीच, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, ओके सो एक बार वंस अगेन फिर से बोलिए, एवरीडे, सो ही डज नॉट टेक बाथ एवरीडे और डेली, लेट्स सी, ही डज नॉट टेक बाथ एवरीडे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इट इज ही डज नॉट टेक बाथ एवरीडे। चलिए ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, these boys, फिर से बोलिए, these boys do not play on the road, let's see the answer, does it correct or not, these boys do not play on the road, exactly correct answer, these boys do not play on the road, exactly it is correct, so we are moving to the next one,
दिस इज फोर्थ वन. राधा अपना पाठ याद नहीं करती है. राधा अपना पाठ याद नहीं करती. सो सिंपल इट इज. राधा डज नॉट लर्न इट्स. इट्स नहीं आएगा. अपना, अपना के लिए क्या आएगा? उसका अपना, खुद का. हिज या हर? तो यहां पे क्या आएगा? लड़की है ना. हाँ. लड़की के लिए क्या आएगा? हर. क्या आएगा? हर. बोलिए. राधा. राधा डज नॉट. हाँ. लेसन. राधा डज नॉट लर्न हर लेसन. लेट्स सी वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. राधा डज नॉट लर्न हर लेसन. एग्जैक्टली करेक्ट. इट इज राधा डज नॉट लर्न हर लेसन. राधा अपना पाठ याद नहीं करती. राधा डज नॉट लर्न हर लेसन. राधा डज नॉट लर्न हर लेसन. मेरा भाई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है. फिर से बोलिए एक बार. My brother does not take credit card. युवराज ने कहा. Let's see है क्या है इसका आंसर. My brother does not have a credit card. देखिए take का मतलब होता है लेना. Take का मतलब होता है क्या? लेना. और अपने पास में कोई चीज रखना. जैसे मेरे पास एक कार है. I have a car. So यहाँ पर आएगा have a credit card. My brother does not have a credit card. ठीक है ना. My brother have does not. My brother does not have a credit card. ठीक है ना. Credit have a credit card या my brother does not carry a credit card. रखना यानी carry करके चलना, अपने साथ में रखना. So more better यहाँ पे have आएगा. Okay sir, my brother does not have a credit card. My brother does not have a credit card. ठीक है, आ गया समझ में ना. किसी के पास में कोई चीज रखने के लिए क्या मीनिंग आती है? Have. ओके जो वर्ब यूज होती है वो हैव यूज होती है. क्लियर ना? यस. चलिए, मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं. मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं. बताइए क्या होगा? मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं. ओके बोलिए. माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट लेटर टू मी. लेट्स सी. माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट अ लेटर टू मी. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर. My friends do not write a letter to me. Correct answer है, बिल्कुल सही है. मेरे दोस्त मुझे letter नहीं लिखते हैं. Okay? देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरे दोस्त हैं तो दोस्त कई सारे हैं, तो I believe कि यहाँ पर a letter की जगह letters save करेगा. Letters. Okay? My friends do not write. देखिए हालांकि a लगा दिया अगर तो letter है, क्योंकि actually कोई भी उसे नहीं लिखता है तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया. अगर बहुत सारे लोग लिख रहे होते तो प्लूरल होता, बट एक्चुअली कोई नहीं लिख रहा है. अब कोई नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंगुलर क्या हो चुका है? नहीं, फ्रेंड्स भले हैं तो वहां पर तो ऐसा लगा हुआ है, मगर उसे कोई लेटर लिखने वाला नहीं है, तो लेटर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ए लेटर आएगा. ओके, माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट लेटर्स नहीं आएगा, है ना. लेटर्स नहीं आएगा, अ लेटर ही आएगा, क्योंकि अगर लिख रहे होते, बहुत सारे लोग लिख रहे होते तो उसके पास बहुत सारी चिट्ठियां आ रही होती, तब बात प्लूरल की होती, बट यहां पर एक भी चिट्ठी नहीं आ रही तो बात किसकी? सिंगुलर की. किसकी है? सिंगुलर की. तो यहां पर आएगा अ लेटर. अ लेटर तो बड़ी मजे की बात है. इंग्लिश के बहुत ही मजेदार रंग है, उनको आपको देखना होगा, समझना होगा, उनको पढ़ना होगा. चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है. सही बात है भाई, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता. इसको कन्वर्स कीजिए जल्दी से. हाँ बोलिए. द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. ओके, द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. लेट्स चेक द आंसर वेदर इज करेक्ट और नॉट. द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब. देखिए यहां पर इन द ट्री लिखा है, पेड़ पर चढ़ना यहाँ पे गलत लिखा है. इन नहीं आएगा भाई साहब, यहां पर ऑन आएगा. द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. बिल्कुल सही जवाब, द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. ओके देखिए गाइज, मैं यहां पर एक बात आपको बता देता हूं कि द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री रख रही है, या सीधे सीधे आप क्लाइंब ट्री कर दीजिए तो वो भी बात एक ही है. क्लाइंब ट्री यानी पेड़ पर चढ़ना ही होगा. ओके तो या क्लाइंब ऑन द ट्री कर दो या क्लाइंब ट्री कह दो, दोनों ही एक बात है. मैंने डिक्शनरी में चेक किया है, ये क्लाइंब ट्री भी सही है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे है. वह हमारे घर कभी नहीं आता है. वह हमारे घर कभी नहीं आता, बताइए. चलिए देखिए, वह हमारे घर कभी नहीं आता है, इसका क्या होगा? तो जैसा अभी युवराज ने बताया, क्या बताया भाई आपने? ही डज नॉट
कम इन आवर होम. He does not come never in our home. देखिए ये तो बहुत गलत सा लग रहा है, इसका सही क्या होगा? देखिए इसका सही होगा He never comes to our home. देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को मिस्टेक लग रही है. He never, कभी नहीं है मतलब never आ गया है ना, और comes तो नहीं आएगा, यहाँ पे come आएगा. He never come to our home. देखिए यहाँ पे do not, does not नहीं आएगा, यहाँ पर उसकी जगह never आ चुका है. क्या आ चुका है? Never. भाई कभी नहीं आ चुका है ना, कभी नहीं. तो कभी नहीं तो खुद में एक complete word है जिसको बोलते हैं never. Okay. तो he never come to our home. ओके गाइस, तो यहाँ पर है जो सेंटेंस, वह हमारे घर कभी नहीं आता. तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा, इसमें दूसरे कुछ कंसेप्ट लगते हैं, आप लोग याद कर लीजिए. ही नेवर कम्स, नेवर के बाद में इसमें कम के साथ एस लगा हुआ है. इसको मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, कभी इसके रूल्स बता दूंगा आपको. तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ही नेवर कम्स टू माई होम. ओके, अच्छा हमारे है, तो यहाँ पे आवर आएगा, बिल्कुल सही. ही नेवर कम्स टू आवर होम. ओके, ही नेवर कम्स टू आवर होम, बिल्कुल सही है. चलिए अगला क्वेश्चन है, यह लड़का पतंग कभी नहीं उड़ाता है. ओके, तो क्या सेंटेंस है? यह लड़का पतंग कभी नहीं उड़ाता है. तो बिल्कुल इसी के जैसे है. ओके, क्या होगा बोलिए? दिस बॉय नेवर बिल्कुल सही है. दिस बॉय नेवर फ्लाइज द काइट. तो देखिए नेवर के साथ यहाँ पे क्या लग गया? फ्लाइज लग गया है. ओके, मतलब नेवर के साथ जो है आपको दिस बॉय का एस या ईएस सपोर्ट करेगा, है ना. अगर डज नॉट होता तो ना लगाते आप, बट यहाँ पे नेवर है तो नेवर के साथ आप फ्लाइज लगाएंगे. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला है चपरासी घंटी नहीं बजाता है. ये तो सिंपल है, बताइए चपरासी घंटी नहीं बजाता है. देखिए आप गलती कर रहे हैं, द प्यून डज नॉट रिंग्स क्यों होगा भाई, है ना. रिंग होगा यहाँ पे. द प्यून डज नॉट रिंग द बेल. द प्यून डज नॉट रिंग द बेल. अब आप कहेंगे कि सर घंटी तो कोई महान चीज़ नहीं है, मगर देखिए हो सकता है कि स्कूल में कई सारी चीज़ें हों, उनमें से प्यून केवल घंटी को टच कर रहा है, इसलिए वहाँ पर विशेषता एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए क्या लग गया है? द बेल. क्या लग गया? द बेल. क्योंकि स्कूल की कई सारी चीजें हैं, तो द प्यून और प्यून एक विशेष आदमी है, स्कूल का बहुत सारा स्टाफ है, मगर उसमें से केवल एक आदमी घंटी बजा रहा है, उनका नाम है प्यून. तो द प्यून डज नॉट रिंग द बेल. ओके, तो ये हो गया अपना क्लियर. अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसा करा आपने. चलिए सबसे पहले देखिए, क्या गाँव में ठंडी हवा चलती है? बताइए क्या गाँव में ठंडी हवा चलती है? चलिए देखिए, क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, इसका इंग्लिश कन्वर्जेशन क्या होगा, आइए देखते हैं. ओके, इसका इंग्लिश कन्वर्जेशन होगा, देखिए, डज द कोल्ड विंड होगा. ओके, हवा को विंड बोलते हैं, ब्रीज भी बोल सकते हैं. ओके, ब्लो, हवा के बहने को क्या बोलते हैं? ब्लो. क्या बोलते हैं? ब्लो. रन नहीं बोलते, हवा के बहने को रन नहीं बोला जाता है. हवा का बहना ब्लो बोला जाता है. पानी का बहना फ्लो बोला जाता है. हवा का बहना ब्लो बोला जाता है. ब्लो इन द विलेज. डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज, है ना. क्या गांव में ठंडी हवा बहती है? डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज. चलिए अगला बताइए, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? चलिए देखते हैं, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? ओके, सो क्या बनेगा इसका? डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे. बिल्कुल सही, डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे. क्या मुकेश मधुर गीत गाता है? बोलिए, क्या मुकेश मधुर गीत गाता है? देखिए पहली चीज़ तो आपने गलती यहाँ पे कर दी है कि मुकेश जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ कभी डू से शुरुआत नहीं होती, सिंगुलर की शुरुआत डस से होती है. तो यहाँ पे डस से शुरुआत होगी. डज मुकेश सिंग्स स्वीट सॉन्ग. चलिए देखते हैं, डज मुकेश सिंग आ स्वीट सॉन्ग. क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है. डज मुकेश सिंग आ स्वीट सॉन्ग. चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं?
क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं? देखिए, डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, याद रखिएगा, कभी भी हल्ला मचाने का होता है, मेक नॉइस नहीं होता, मेक अ नॉइस, मेक अ हल्ला मचाने को बोलते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, हल्ला मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइस, मैंने भी लिख लिया है, आप भी लिख लीजिए, नॉइस की स्पेलिंग एन ओ आई एस ई, मेक अ नॉइस इन द क्लास, मेक अ नॉइस इन द क्लास, ओके, डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस इन द क्लास, डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस इन द क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका, डू द बर्ड्स, डू द बर्ड्स, ओके, बर्ड्स के सामने ड लगेगा, डू द बर्ड्स, क्योंकि आकाश में कई सारी चीजें हैं, उनमें से पंछी के बारे में बोला गया है, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बादल हवा में तैरते हैं, ओके, क्या बादल हवा में तैरते हैं, चलिए क्या बादल हवा में तैरते हैं को हमको देखना है, ओके, देखिए, डू द क्लाउड्स, वेरी गुड, डू द क्लाउड्स, क्योंकि क्लाउड बहुत सारे होते हैं, बादल एक नहीं होते, अनेक होते हैं, डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, ओके, देखिए हवा में बोला गया है, आकाश नहीं बोला गया, हवा बोला गया है, तो हवा के लिए यहाँ पर एयर आएगा, आकाश नहीं है, ओके, स्काई नहीं आएगा बच्चों, एयर लिखा हुआ है, तो डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन द फील्ड, ओके, ऑन द फील्ड या इन द ग्राउंड, ओके, इन द ग्राउंड भी चलेगा, देखिए यहाँ पर है एक्चुअली मे लिखा है, तो इन द ग्राउंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन द फील्ड भी सही है और इन द ग्राउंड दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, चाहे आप इन द ग्राउंड लगा दें या ऑन द फील्ड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड के साथ ऑन द फील्ड लगता है, ग्राउंड के साथ इन द ग्राउंड भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या राहुल अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातचीत करता है, क्या राहुल अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातचीत करता है, बताइए क्या होगा इसका इंग्लिश, हाँ बोलिए इसका क्या होगा, डज राहुल टॉक टॉक टू हिज मॉम, टॉक टू हर मॉम, टॉक टू हर मॉम ऑन द फोन। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, ओके, डज राहुल टॉक टू हिज मदर, डज राहुल टॉक टू हिज मदर, क्या आपने यहाँ पे हर लगाया, बिल्कुल गलत है, देखिए राहुल की बात हो रही, राहुल की माँ, तो यहाँ पे हिज आएगा, हर नहीं आएगा, डज राहुल टॉक टू हिज मदर बाई फोन, बाई फोन, ऑन फोन नहीं लगाइएगा, ऑन फोन नहीं लगाइएगा, है ना, बाई फोन आएगा, उसकी माँ है ना, उसकी माँ तो हिज आएगा, अपनी माँ या उसकी माँ के लिए हिज आएगा, क्योंकि राहुल की बात हो रही, राहुल यहाँ पे मेल है, ओके, राहुल अपनी माँ से बात कर रहा है, तो बाई फोन आएगा, क्लियर आ गया समझ में ना, सो क्या होगा इसका, डज राहुल टॉक टू हिज मदर बाई फोन, क्या राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बातचीत करता है, डज राहुल टॉक टू हिज मदर, अपनी, अपनी मतलब उसकी, अपनी मतलब उसकी माँ, तो उसकी के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, क्योंकि बात राहुल के लिए है, है ना, अगर बात मम्मी कर रही होती तो हर आता, अगर बात मम्मी अपने बेटे से कर रही होती तो हर आता, हर हर चाइल्ड, हर सन, बट राहुल अपनी माँ से बात कर रहा, क्या आएगा, हिज मदर, हिज मदर, बिल्कुल सही है, तो डज राहुल टॉक टू हिज मदर बाई फोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सुनार अंगूठी बनाता है, तो पहले तो मुझे ये बताओ सुनार को क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, तो क्या सुनार अंगूठी बनाता है, बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। चलिए तो यहाँ युवराज ने बताया डज गोल्ड स्मिथ मेक रिंग, चलिए देखते हैं, है ना, क्या होगा, डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग, बिल्कुल चल जाएगा, ओके, डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाता है, बढ़ई आ गया मतलब कारपेंटर, हाँ, क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाता है, बोलिए,
क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाता है, तो देखिए क्या होगा इसका, डज द कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर एक विशेष व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही है, डज द कारपेंटर मेक अ ब्यूटीफुल टेबल क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही है, डज द कारपेंटर मेक अ ब्यूटीफुल टेबल, एग्जैक्टली ओके। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले एक्सरसाइज नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, तुम कहाँ रहते हो बताइए, तो इन्होंने कह दिया है वेयर डू यू लिव, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुमको कौन पढ़ाता है, तुमको कौन पढ़ाता है, ओके ओके, तुमको कौन पढ़ाता है, हाँ ओके, तो तुमको कौन पढ़ाता है, तो इसका देखिए इसके आंसर आ रहा है, इसका आंसर है वू टीचेस यू, पढ़ाने में वू टीचेस यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, निपटाने को क्या बोलेंगे, कंप्लीट, क्या बोलेंगे, कंप्लीट, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तो कैसे यानी कि वाई, क्या आएगा वाई, चलिए बोलिए इसका क्या होगा, माफ़ कीजिएगा बच्चों यहाँ पर मैंने वाई लगा दिया, एक्चुअली यहाँ पे हाउ लगता है, मैं भूल गया था कैसे को हाउ बोलते हैं, तो बताइए क्या होगा इसका इंग्लिश में, ओके सो लेट्स सी इसका बनेगा क्या, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, ओके तो इसका बनेगा हाउ डू यू कंप्लीट या फिनिश योर होमवर्क, बिल्कुल सही है, हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क। चलिए अगला देखिए, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, बोलिए क्या होगा इसका, तुम रात को कौन सी मूवी देखते हो या तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, इसका देखते हैं, सो इसका बनेगा विच मूवी या विच फिल्म, विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, ठीक है, विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लड़के स्कूल कब जाते हैं, जोर आवाज में बोलिए, ये लड़के स्कूल कब जाते हैं, एक बार फिर से बोलिए क्या होगा इसका आंसर, गो टू द स्कूल, वेन दीज बॉयज गो टू द स्कूल, बिल्कुल गलत है, देखिए आपने यहाँ पर डू डस का कोई यूज नहीं किया तो 100% ये गलत हो गया है ना, फिर से एक बार बोलिए क्या होगा, वेन हाँ देखिए, वैन डू दीज बॉयज गो टू स्कूल, बिल्कुल सही है, गो टू द स्कूल, वैन डू दीज बॉयज गो टू द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं, देखिए चढ़ते हैं मतलब काफ़ी सारे बंदर हैं, बताइए क्यों, why do monkeys climb on the tree, यस देखते हैं, वाई डू मंकीज क्लाइंब ऑन द ट्री, वाई डू द मंकीज क्लाइंब ऑन द ट्री, देखिए अब इस बार ऑन द ट्री आया है या क्लाइंब ट्री आया है, दोनों ही सही था, पिछले बार भी आपने ऑन द ट्री बोला था तो वो भी सही था, वाई डू द मंकीज क्लाइंब ऑन द ट्री, वाई डू द मंकीज क्लाइंब ऑन द ट्री, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तुम क्या चाहते हो, माई गॉड कितना सिंपल है, तुम वॉट डू यू वॉन्ट, सो सिंपल गाइज, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, ओके चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, बोलिए, टू होम यू, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, बनेगा, चलिए देखिए बहुत सही जा रहे थे आप, बिल्कुल सही बोल रहे थे, किसको के इसलिए टू वूम, ओके और तुम है तो डू लगेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, टू वूम भी लगा दो, या वूम डू यू टीच इन द मॉर्निंग, वूम डू यू टीच इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, वह उसे इस तरह क्यों देखता है, क्यों से स्टार्ट हो रहा, मतलब किससे स्टार्ट होगा, वाई, क्यों स्टार्ट होगा, वाई बताइए, वाई हाँ, वाई डू, वाई के साथ डू कहाँ लगता है भाई, ही लगा, वह लगा है तो डज आएगा, वाई डज ही लुक एट सी, वाई डज ही लुक एट सी, पूरा नहीं हुआ है, इन दिस वे, वाई डज ही लुक एट शी इन दिस वे, ओके वह उसे ओके उसे, अब यहाँ तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, वह वाई डज ही या फिर शी लुक, वाई डज ही, अरे यार, चलिए तो युवराज ने कहा है, क्या कहा भाई आपने, वाई डज ही शी
शी मतलब लड़का या फिर लड़की को पता नहीं है उससे कहा है इन दिस वे। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही। ओके तो इसका है सही व्हाई डज ही लुक एट हर, व्हाई डज ही लुक एट हर, उसे के लिए हर आएगा। देखिए प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो रहा है तो प्रोनाउन के लिए यहाँ पे ही शी यूज नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हर यूज होगा, उसको उसे यानी उसको, उसे यानी उसको। अब लड़का भाई तो लड़की को देखेगा ये मान के चल रहे अपन। ओके लाइक दिस, इन दिस वे नहीं आएगा, लाइक दिस इस तरीके से के लिए क्या होता है लाइक दिस। ओके क्लियर हो गया। यस व्हाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस, व्हाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है यह लड़का वहाँ रोजाना क्या करता है, यह लड़का वहाँ रोजाना क्या करता है बताइए। चलिए यह लड़का वहाँ रोजाना क्या करता है, देखते हैं इसका क्या बनेगा। सो इसका है व्हाट डज दिस बॉय डू देयर डेली, बिल्कुल सही व्हाट डज दिस बॉय डू देयर डेली, हाथ से करने की बात हो रही है यहाँ पे या कुछ भी करने की बात हो रही है तो डू यूज होगा, डू एक वर्ब है जिसके लिए डू का मतलब होता करना। सो व्हाट डज दिस बॉय डू देयर डेली, व्हाट डज दिस बॉय डू देयर डेली। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव। ओके अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6, सॉरी गाइज एक्सरसाइज नंबर 5। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव भी या नेगेटिव भी है प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है, क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है बताइए, क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, बिल्कुल सही है डज राधा Not sing a sweet song. Does Radha not sing a sweet song? तुम अब दिल्ली में दिल्ली क्यों नहीं जाते, तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते, तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, ते हो तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो बताइए। तो तुम अब दिल्ली नहीं जाते हो का देखते हैं क्या कन्वर्जेशन बनेगा। ओके वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली नाउ, वेरी गुड बिल्कुल सही बताया गया है बच्चों के द्वारा, वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली नाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है, अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं बताइए, अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट ओबे कह लो या रिस्पेक्ट कह लो देयर टीचर्स। ओके और यहां पे नाउ नहीं लगा है क्योंकि यहां पे अब लगा है तो यहां पे नाउ लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अब बोला है ना, अब विद्यार्थी अपने गुरु का, तो यहाँ पे अब के लिए नाउ तो आएगा तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स नाउ, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स आएगा साथ में, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स नाउ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। डू द स्टार्स नॉट शाइन इन द स्काई, बिल्कुल सही डू द स्टार्स नॉट शाइन इन द स्काई। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, बहुत ही सिंपल, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है देखिए क्या होगा इसका। डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, डज ही नॉट लर्न इंग्लिश, सीखने को लर्न बोलते हैं पढ़ने को भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश बिल्कुल सही है, राइट मिलेगा आपको, वन मार्क्स मिलेगा। डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश या लर्न इंग्लिश। ओके लर्न मतलब होता है नहीं, लर्न का मतलब याद करने से ज़्यादा होता है सीखना, लर्न का मतलब क्या होता है सीखना। ओके एंड स्टडी का मतलब होता है मन लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, और रीड का मतलब होता है जस्ट ऐसे पढ़ना जैसे कि कुछ रीडिंग करना, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा बट ऐसे पढ़े जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीड, दैट इज कॉल्ड रीड, बट मन लगा के पढ़ने को स्टडी भी बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लर्न, दैट इज कॉल्ड लर्न, सीखने से ज़्यादा तो स्टडी यहाँ पे बेस्ट है कि वो पढ़ता है। ओके मन लगा के पढ़ रहा है, दैट इज स्टडी, अपने से पढ़ रहा है। डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता। तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, चलिए तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो तो कहाँ से स्टार्ट होगा देखिए, whom do you not, whom do you not want to teach बिल्कुल सही। ओके या to whom do you not want to teach या whom do you not want to teach बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, अगला है
क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? ओके, डू दीज बॉयज नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही है, डू दीज बॉयज नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तुमको कौन नहीं पढ़ाता है? तुमको कौन नहीं पढ़ाता है बताइए, तुमको कौन नहीं पढ़ाता है? देखिए क्या होगा इसका, वू, ओके देखिए, वू डज नॉट टीच यू, वू डज नॉट, अब एक्चुअली वू डज नॉट टीच यू, देखिए यहाँ पे यू लगा है तो यहाँ पे डू आएगा, डज नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ तो डू लगता है, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो वू डू नॉट टीच यू आएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट हो गई है, वू डू नॉट टीच यू आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक बात अभी युवराज ने बहुत अच्छी बताई कि देखिए बात तो यहाँ पर टीचर के लिए हो रही है, तो अगर टीचर कोई एक है, कोई एक नहीं पढ़ा रहा तो यहाँ पर डज आएगा क्योंकि बात ये टीचर के सेंस में जा रही है, तो मोर बेटर यहाँ पर डू की डू से अच्छा है क्या लगाएं अपन, डज, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर तो हैं बट उसमें से एक कोई शहर का टीचर नहीं पढ़ा रहा तो उसके लिए आएगा डज, तो ये बन जाएगा वू डज नॉट टीच यू, है ना, कौन है वो बंदा जो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, तो मतलब वो तो एक ही होगा कोई, है ना, शहर भर में कोई एक इंसान होगा जो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, मतलब ये सबसे पढ़ रहा है, किसी एक से नहीं पढ़ रहा है ना, उसकी शायद सुपारी ली गई है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वू डज नॉट टीच यू, कौन है जो आपको नहीं पढ़ा रहा है, सो वू डज नॉट टीच यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं? फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं? चलिए देखिए, फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कौन नहीं खेलते हैं, वू डज नॉट प्ले फुटबॉल, देखिए खेलता है अगर होता, खेलता है तो एक आदमी होता, बट यहाँ पे तो हालांकि जब भी आप बात करते हो वू की, तो वू मतलब कौन, तो मतलब कौन में तो हालांकि एक का ही सेंस होता है, तो यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे खेलता आएगा, क्या आएगा बच्चों, खेलता है, फुटबॉल कौन नहीं खेलता है ना, या तो फिर आता कौन कौन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो फिर सारे हो जाते, तो फुटबॉल कौन नहीं खेलता यदि, तो यहाँ पर बात डज से शुरू होगी, वू डज नॉट प्ले फुटबॉल, वू डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल कौन नहीं खेलता, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कौन फुटबॉल नहीं खेलता, वू डज नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए अगला, अब वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है, वह अब यहाँ क्यों नहीं आता बताइए, वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है का इंग्लिश बनेगा why does he not come here now, बिल्कुल सही, why does he not come here now, क्योंकि वह की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ओके, सो why does he not come here now, why does he not come here now, why does he not come here now, ओके गाइस, तो ये था हमारा टेस्ट लेवल 1 प्रेजेंट इनडेफिनिट टेस्ट से पूरा हो चुका है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव ओके हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, इनडेफिनिट का हमने पूरा पार्ट कर लिया है, नेक्स्ट में हम आपको परफेक्ट लेकर के आएंगे, कंटिन्यूस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद युवराज बैच अलॉन्ग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, टिल देन बाय बाय।